खेती लायक सीमित जमीन पर कड़ी मेहनत से फसलें उगाने के बाद अगर इन लहलहाती फसलों को कोई जंगली जानवर या अन्य पशु पल भर में ही उखाड़ दे तो एक किसान के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। हमीरपुर जिले सहित हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों के किसान वर्षों से कुछ ऐसी ही गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। बंदरों, सुअर, सांबर इत्यादि जंगली व अन्य जानवरों की समस्या से बुरी तरह परेशान हो चुके इन क्षेत्रों के कई किसान या तो खेती से ही तौबा कर चुके हैं या फिर उन्हें अपनी फसलों को बचाने के लिए दिन रात खेतों में पहरेदारी करनी पड़ रही है। इन परिस्थितियों में कई किसान चाहकर भी खेती नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे किसानों के लिए प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आई है। इस योजना के तहत 70 से 85% तक अनुदान पाकर किसान खेतों में साधारण तार की बाड़ या सौर ऊर्जा चालित करंट युक्त बाड़ अथवा दोनों तरह की मिश्रित बाड़ लगाकर अपनी फसलों की रक्षा कर सकते हैं। प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाकर हमीरपुर जिला के कई प्रगतिशील किसान अब बेफिक्र होकर चैन की नींद सो रहे हैं और अपने खेतों से अच्छी पैदावार ले रहे हैं। अब उन्हें अपने खेतों की रखवाली के लिए रात रात भर जागने की जरूरत नहीं पड़ती है। इन्हीं प्रगतिशील किसानों में से एक है हमीरपुर के कांगो क्षेत्र के गांव बुढ़ाना के रोहित शर्मा। सरकारी क्षेत्र में सेवारत और खेती में गहन रुचि रखने वाले रोहित शर्मा तथा उनके पिता रतन चंद शर्मा अपनी 4 कनाल से अधिक जमीन पर पिछले कुछ वर्षों से अच्छी पैदावार नहीं ले पा रहे थे। जंगली जानवर अक्सर उनके हरे भरे खेतों को पूरी तरह उजाड़ देते थे। इस समस्या से तंग होकर उन्होंने कई बार तो खेती छोड़ने का भी विचार किया, लेकिन इस बीच उन्हें प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना का पता चला और उनमें कुछ उम्मीद जगी। कृषि विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन से उन्होंने मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत अपनी 4 कनाल जमीन पर साधारण जाली और सौर ऊर्जा से चालित करंट युक्त बाड़ लगाने के लिए आवेदन किया। इस योजना की सहायता से रोहित ने लगभग 2,17,000 रुपए की लागत से 165 मीटर बाड़ लगाई। इस पर उन्हें विभाग की ओर से 70% यानी करीब 1,52,000 रुपए अनुदान मिला। उन्होंने अपनी जेब से केवल 65,000 की धनराशि ही खर्च की। सरकारी अनुदान से बाड़ लगाने के बाद तो मानो रोहित के खेतों की तस्वीर ही बदल गई। उन्हें उजड़े उजड़े से नजर आने वाले उनके खेतों में अब नकदी फसलें लहलहाने लगी हैं। इस खरीफ सीजन में उन्होंने अरबी, जिमीकंद, भिंडी, पपीता, तिल और अन्य नकदी फसलें लगाई हैं। खेतों में लहलहाती फसलों को देखकर रोहित और उनके वृद्ध पिता रतनचंद शर्मा आज बहुत प्रसन्न हैं और क्षेत्र के अन्य किसानों को भी मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमने जो सोलर फेंसिंग जो लगाई है, जो कंपोजिट फार्मिंग हम लोग जगा रहे हैं, उससे उसके लगाने से हमें बहुत सारे फायदे हुए हैं। दूसरा चीज़ ये है कि क्या बोलते हैं, इससे पहले जब हम खेती बाड़ी यहाँ करते थे तो आवारा पशु से लेकर जंगली जानवर, सांबर हो गया, सुअर हो गया, खरगोश वगैरह यहाँ से खेती को पूरी तरह बर्बाद कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि सभी परेशान, परिवार परेशान है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी हमें कोई प्रॉफिट यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इससे संबंधित हम लोग जब इस विभाग से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जब हम मिले तो उन्होंने हमें अच्छी तरह गाइड किया। उन्होंने बताया कि आप कंपोजिट जो सोलर फेंसिंग आप हिमाचल सरकार की तरफ से आ रही है उसमें जी, उस जो स्कीम है उसके तहत आपको 70% तक सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी। 30% जो शेयर रहेगा वो जो मालिक है उसका रहेगा। वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जब हम उनसे मिले उन्होंने हमें अच्छी तरह समझाया कि इस स्कीम का आपको क्या फ़ायदा होगा। जो आपकी बसों से चली आ रही जो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आजकल के जो किसान हैं, किसान भाई जो हैं, वो मतलब खेती बाड़ी छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। पर उन्होंने अच्छी तरह हमें गाइड किया इस चीज़ के लिए कि आप चीज़ इस तरफ चाहिए आपको, क्योंकि पहले जो सोलर फेंसिंग आ रही थी उसमें बहुत सारे डिसएडवांटेज थे कि उसमें हम लोग मतलब काफ़ी जो आवारा पशु आसानी से तोड़ देते थे। पर ये जो कंपोजिट सोलर फेंसिंग है जो कि हिमाचल सरकार ने शुरू किया, बहुत सही चीज़ है। इस चीज़ से हम जंगली जानवर, सांबर से लेकर हर चीज़ से हमारा यहाँ पे फसल का बचाव हो गया। और आप देख ही रहे हैं हमारा ये जो खेत है इसमें बहुत सही चीज़ सब चीज़ लगाने के काबिल हो चुके हैं कि जो हम ऐश हमारा जो है हम अपना घर का गुजारा चला सके और थोड़ा जो हमारी आर्थिक है उसको भी सुधार पाए। कृषि विभाग के नादौन कार्यालय के विषयवाद विशेषज्ञ सुरेश धीमान ने बताया कि क्षेत्र के कई किसान मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना का लाभ उठाने के लिए आगे आ रहे हैं।
मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना कार्यक्रम के अंतर्गत हिमाचल सरकार ने 2018-19 से इस योजना के तहत 4 किस्म की जो बाड़बंदी थी उसका शुभारंभ किया गया था, जिसमें जो पहली प्रकार की थी कंट्रीब्यूटर की थी, दूसरी थी जालीनुमा और तीसरी थी जिसको आप यहां देख रहे हैं जालीनुमा प्लस सोलर करंट, और चौथी जो किस्म थी वो टोटली ही सोलर फेंस की स्कीम थी। इसके प्रचार प्रसार के लिए हमने कैंपों के माध्यम से और किसान हमारे पास कार्यालय में आकर के जानकारी हासिल करते रहते हैं और एक दूसरी जगह देख कर के उसका फ़ायदा उठाते हैं। अब देखने में ये आया है कि जिस तरह की जो बाड़बंदी है ये तीसरी प्रकार की जालीनुमा और करंट सोलर करंट की, इसमें जो लोगों की चाहत और पसंदीदा है वो अधिकतम पाई जा रही है, इसको लोग ज़्यादा अपना रहे हैं और इसके लिए आगे आ रहे हैं। इसका जो फ़ायदा है, एक जो छोटे जानवर हैं वो भी नीचे से इसमें अंदर नहीं आ पाते, और दूसरा जहां पर बंदरों का नुकसान आतंक है वो भी इसे कंट्रोल होता जा रहा है। तो जैसे कि हमारे इस विकास खंड में सब्जी उत्पादक किसान बहुत ज़्यादा हैं, अधिकतर लोग जहां पर जंगलों के नज़दीक अपनी खेतीबाड़ी में खेती करते हैं वहां पर जंगली जानवरों का ज़्यादातर बहुत नुकसान है, तो उस क्षेत्र में ये बहुत ही ज़्यादा कामयाब पाई जा रही है। और हमारे इस नगांव क्षेत्र में मैं कहूँगा मैक्सिमम हमें जो 22 के अलॉटमेंट थी वो बड़े जल्दी ख़त्म हो जाती है और इसमें जो प्रेगनेंसी है वो रह जाती है, तो काफ़ी लोग इसमें आ गए हैं और काफ़ी जो उनकी लागत है पहले जैसे कहते कि हमें ये नुकसान होता है उससे उनकी आमदनी बढ़ रही है और काफ़ी लोग उसका फ़ायदा ये उठा रहे हैं।